बनकर कई कुछ सामने लगा दरवाजा, यहाँ सामने एक बना रहे, फिर सामने कई दरवाजे बना रहे, सामने एक बना रहे, सामने का क्या मारता मार, सामने गजा बना रहे हैं दरवाजे के सामने गजा बनाते तुम लोग, तुम खौफ करो तेरे वाले ने को दे मार रहे हो, यहाँ बना रहे बोला सामने दरवाजे, दरवाजे के सामने दीवार उठा रहे, हमारा रास्ता बंद कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। कमाटीपुरा उस्मान बाग के रहने वाले राशिद बिन मोहम्मद ने दिया मीडिया को बयान। अली बिन साले में और राशिद बिन मोहम्मद के बीच जमीन का तनाजा चल रहा है। मरियम साले ज़ईफ़ खातून की मदद की अपील, जो कमाटीपुरा के रहने वाले है। अली नामी शख्स के बयान के बाद इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन देकर कहा, जिस मकान की बात अली कर रहे हैं वो उनका है ही नहीं, इनके पास झूठे पेपर्स है जिसकी वजह से वो झगड़ा कर रहे हैं। इस मकान पर 2014 और 17 से केसेस चल रहे हैं। मुतासरा ज़ईफ़ खातून की बेटी सलमा साले ने मीडिया से बात करते हुए अपील की कि इनका हक उनको दिलाए, इनके बच्चे की जान को खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से अपील की। राशिद बिन मोहम्मद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। फारूक खान के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ हैदराबाद। क्या है ये, उनके शौहर का घर है वो, जो भी मैं आपको अभी सुनाया पूरा उनका शौहर का घर है, पूरे रास्ता इधर है, मोरियां इधर है हमारे। हमारी आपका घर है ये, बोलिए। हमारा घर है। अभी जो अली जो बोल के बोल रहे हैं आप, वो दूसरों की औलाद है, हमारे महाराज के पेट के भी नहीं, उनका बाप दूसरा था। सता रहा हमारे ना जाए, दीवार उठा दे रहा दरवाजे के सामने, दरवाजे के सामने दीवार उठा रहे, हमारा रास्ता बंद कर रहे। सारी दुनिया से पूछ ले, ये रास्ता था हमारे महाराज घर में नहीं था बेटे, इधर से इधर जाते थे। हुकूमत से क्या गुजारिश है, ये रास्ता खुलना, घर भी होना ठीक। आज मोरिया बंकर रो दे रहे, बनकर 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 कई कुछ सामने लगा दरवाजा, यहाँ सामने एक बना रहे, फिर सामने कई दरवाजे बना रहे, सामने एक बना रहे, सामने का क्या मारता मार, सामने गजा बना रहे हैं दरवाजे के सामने गजा बनाते तुम लोग, तुम खौफ करो तेरे वाले ने को दे मार रहे हो, यहाँ बना रहे बोला सामने दरवाजे, क्या बना रहे सामने बना रहे बोला बच्चा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कल अली बिन साले जो बयान दिए हैं उसका हम क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत है, हमारे वालिद उनको नहीं दिए जायदाद, अगर देते होते तो पेपर उनके पास होते थे, पेपर हमारे पास है, और उन्होंने जो है सो कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारी वालदा जो छोटी वालदा है, उन्होंने रहे तक उनको हम इज्जत से रखे, उसके बाद उनको हटाने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने क्या करे मालूम, एक दो तीन महीने का हमारे से मोहलत लेके वो कुछ नल का उसका नेम चेंज कर लेके वो करके बाउंड्री चेंज करके उसका नाम पे करा लिए, फेक पेपर बनाए उनकी अम्मी के नाम से बना के करके उन्होंने अब हमारे ऊपर ऐसा आ रहे हैं, हमारी जान का धोखा है। पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, और अल्लाह सुबहाना व ताला का भी ये नहीं है कि अल्लाह सुबहाना व ताला के तरफ से भी उनका हिस्सा हमारे तरफ नहीं है, अगर होता तो हम बराबर दे देते थे, उन्होंने हमारे भाई नहीं हैं, इसलिए हम हक चाह रहे हैं। अंजनी कुमार साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी मदद करे, तेलंगाना की गवर्नमेंट से भी हमारे रिक्वेस्ट है, तमाम पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी मदद करे, हमारे बच्चे की जान का ख़तरा है, हमारे बच्चे के लिए मदद कीजिए ज़रा। अली बिन साले जो है वो झूठा नाम है, वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे बाप की औलाद नहीं है, अगर होती तो हमारे वालिद उनको भी पेपर दे के जाते थे, पेपर हमारे पास है, इसलिए हम ओनर है,
हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे की जान बचाने में हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चों की हिफाजत कीजिए। वो लोग सब्बल राड्स लेके आ रहे हैं, तीन बेटे हैं उनके अली के, और अली है तीन बेटे और उनकी बीवी, सब आगे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी 68 की हूँ और मेरी अम्मी 85 के है एज। हम लोग क्या कर सकते बोलिए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये देखिए फोटोज देखिए, वो लोग फोटोज देखिए जो हमला करने हमारे ऊपर आए थे वो लोग पूरे, इसकी वीडियोस भी है मिकने, ये फोटोज है पूरे, वीडियोस बताता हूँ मैं अभी, एक मिनट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ कमाटीपुरे से बात कर रहा हूँ, राशिद बिन मोहम्मद उर्फ इब्राहिम नाम है मेरा। कल जो वीडियो बनाए थे अली और उसके बच्चे, अली और उसके बच्चे सालम, सलमान, सुलेमान, तीन बच्चे हैं उसके, जो मेरे नानी हैं, नाना के दूसरे जो बीवी थे उनके पहले मियाँ के बच्चे हो, नाना की औलाद नहीं है, साले बिन अली की औलाद नहीं है। अली जो कल बोले मेरी अम्मा का घर है, मैं मेरे को दिए बोल के कल डाले फेसबुक पे, हर चीज़ पे मीडिया में डाले उन्होंने साले चावुश की औलाद नहीं है। ख्वाजा बेगम जो उनकी माँ हैं उनके पहले शौहर के बेटे हैं उन्होंने अली। तो उन्होंने नाजायज़ तरीके से घर पे बैठे हुए मेरे नानी और मेरी अम्मी के, उनका कोई नहीं है, एक ही है नाना की औलाद मेरी अम्मी है, नाना की औलाद सिर्फ इनका ही हक है। एक ही बेटी थी नाना को, साले बिन अली को, सलमा साले, जो कि प्रॉपर्टी उस्मानबाग कमाटीपुरे में है। और हम लोग हाईकोर्ट से ये आर्डर है हमारा, हाईकोर्ट का जो हम पिटीशन हमारा अलाउ हुआ हाईकोर्ट में, घर के ताल्लुक से जो पिटीशन उन्होंने डाले थे उनका डिसमिस हो गया था, हाईकोर्ट का आर्डर है ये हाईकोर्ट का आर्डर है। और दूसरी बात, जो उन्होंने पेपर बना के बैठे हुए इलीगल पेपर, वो इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि कोई पब्लिक कोई ले ली तो उन्होंने उसमें नहीं आना, आपस में बेचारे नुकसान नहीं होना किसी का, बोल के हम अखबार में दिए थे, देने से उन्ना क्या करे अखबार में हम ऐड देने से, तो उन्ना दूसरे दिन मीडिया को बुला के हाँ हम रजिस्ट्री है हमारा गने हम वो है ये है बोल के हम भेज सकते बराबर वो है बोल के वीडियो बनाए उन लोग, उनका नहीं ये फॉक पेपर है जो जाली दस्तखत मार के उन्होंने बनाए सो है पेपर, ये इसमें के ये विल का पेपर अटैच करे उसमें, दूसरे डॉक्यूमेंट का पेपर अटैच करे, और बाउंड्रियों में बता रहा इधर रोड इधर रोड, एक ही तरफ रोड है उधर, ये दो रोड बता रहा है इसमें, जो इलीगल पेपर बना लेके उन्होंने क्या करे उनकी माँ से रजिस्ट्री करा लिए, उनकी माँ को मेरे नाना नहीं दिए थे, समझ रहे हैं आप, मेरे नाना का है वो, और उनके लिंक डॉक्यूमेंट जितने भी थे ना वो मेरे पास है लिंक डॉक्यूमेंट, ये जो लिंक है देखिए आप, ये विल बनाए पहले वो लोग, विल कैसा बनाए बाय वन से बनाए, आप देखिए नंबर इस पर 77/1 है विल में, फिर रजिस्ट्री में क्या करे चेंज करके, विल नहीं चलती वसीयत नहीं चलती बोल के क्या करें वो लोग, रजिस्ट्री में 77 करे नंबर चेंज करे 77, और बाउंड्रीज भी चेंज कर दी रजिस्ट्री में, पूरा चेंज करके पूरा इलीगल मामला है। और फिर वो फिलोकत वो किराए पर रहता हूँ बोल के 3 महीने का किराया दे के रहा अम्मा मरे बाद, दूसरी अम्मा मेरी अम्मी की दूसरी अम्मा जब मर गए थे इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने मरते ही हम बोले निकलो चलो बोले तो ना मैं किराया दे के रहता हूँ आपका, नहीं वो बोल के बोला क्यों बताओ उसका हक नहीं है, उन्हें साले चाउश मेरे नाना की औलाद नहीं है उन्हें, इसलिए बोल के अम्मी बोले निकलो वालदा का इंतकाल होगा, फिर वालदा की बीमारगी में अम्मी भी मदद करे 1,65,000 वो ज़िंदगी में वो है मदद करे सभी सबूत है। तो ये जो पेपर बनाए वो लोग ये इलीगल पेपर बनाए, रजिस्ट्री जो बोल रहा है यही है वो इलीगल बना के, बाउंड्रीज भी इसमें चेंज है पूरे रजिस्ट्री में, ये इलीगल रजिस्ट्री कैसा करे क्या अल्लाह वालम क्या अल्लाह जानने वाला है, कोई दूसरा आदमी आके ये देखिए बाउंड्री भी गलत है उसकी, कोई दूसरा आदमी आके इसमें नहीं गिर जाना नहीं लेना बोल के हम लोग ऐड दिए वो पेपर में, नुकसान हो जाएगा कोई नया आदमी खरीदेगा तो बोल के हम ऐड दिए थे। ये मेरे वालदा है नानी है दोनों का हक है, कोई भी नहीं है इनका, एक ही बेटी है उनको, इसलिए मैं बीच में जाके इनकी मदद करता हूँ, मेरी माँ का हक है बोल के। ये पेपर्स हमारे जो पुराने पेपर नाना के नाम के है, ये है पेपर उस्मान बाग का जो मेन पेपर है पुराना पेपर, नाना जिससे खरीदे लिंक डॉक्यूमेंट हमारे नहीं है कोर्ट में है, देखिए आप कोर्ट से निकाला मैं ये कोर्ट में है ये पेपर उसका नहीं, ये भी नहीं है लिंक डॉक्यूमेंट कुछ भी, नाम बताया ना साले बिन अली, ये प्लान इसका यहाँ है, ये मकान कहाँ है साहब आपका, ये उस्मान बाग कमाटीपुरा डान उधर थे पीएस के सामने से सेकंड गली आखिरी एंड में है मकान, ये हो गया ये नाना खरीदे सो है ये 95 स्क्वायर यार्ड, ये एफ आई आर करा मैं,
FIR कापी यहाँ है, मैंने देख लिया FIR वालदा के ऊपर वो करे लोग, ये FIR कापी है उनके खिलाफ FIR करे हम लोग, दीवार उठाना चाह रहे हैं हमारे दरवाजे के सामने उठा के ना भेजना चाह रहे हैं धोखे से। ये मई 27 को 29 को दो वक्त करे हम लोग FIR 27 29 करे, ये भी है FIR कापी इसकी DSO हम लोग। और ये उसके लिंक है, ये जो नाना किससे खरीदे उन्होंने किससे खरीदे सो है अमजदुल्लाह कोऑपरेशन सोसाइटी वाले सकीना भी को बेचे, सकीना भी क्या करे हमारे नाना को बेचे, ये पूरा सबूत है हमारे कहने, ये लिंक डॉक्यूमेंट कोर्ट में है, ये पेपर्स पूरे चल रहा, केस चल रहा, चलते हुए धोखे से वो घर में कामा करा रहा, दीवार उठाना चाह रहा दरवाजे के सामने उठा के बेचना चाह रहा, इलना छप्पर लेके मारना चाहे मेरे को भी मेरे वालदा को भी हमला करे, जान का धोखा है हम लोगों को। ये मेरे वालदा है, आप वालदा से भी पूछ सकते। और देखिए ये पेपर में जो दिए हम लोग ऐड ना उसका है, ये वकील साहब से लिखा के ला के दिया, तो ऐड देते दूसरे दिन उन लोग क्या करे कॉन्फ्रेंस बुलाए प्रेस वालों को बुला के, भाई रजिस्ट्री है मैं बेच लेता हूँ मैं वैसा करता हूँ मेरे को जुलूम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोल के दीवार के साथ दीवार उठे भी अभी छोटी दीवार पूरी नहीं निकाल ली दीवार उन्होंने दीवार दरवाजे के सामने लगा रहे दीवार वो दरवाज़ा पैक करके बेचें हमारे मोरियाँ उधर है अपन जाएंगे इंशाल्लाह आपको बताऊँगा मैं इंशाल्लाह वो नहीं जाके देखेंगे इंशाल्लाह। उनका कहना है कि आप जो है सो नाजायज उनके ऊपर जो है सो ब्लेम कर रहे हैं, पास हमारे पास है ना जी सर, प्रॉपर्टी जो है सो उनके वालदा के नाम पे है बोल के। नहीं 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 मैं आपको बताया ना उनके वालदा का जो बताया ना, नहीं नहीं एक मिनट नहीं बताया, ये मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट जो है ना उनके वालदा के नाम की वो है 163, ये है 215 अगस्त का प्लान समझ रहे आप। और इसकी जो बाउंड्री से ये बाउंड्री दो जगह रोड बता रहा, दो जगह हमारा रोड कहीं भी नहीं है, ये जो इलीगल है ये साइन भी नाना की नहीं होती हमारी समझ रहे हैं आप, ये साइन भी नहीं होती। और ये पेपर मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट है, नो एंट्री का पेपर है, ये जाली पेपर, इसकी एंट्री नहीं है पेपर की, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टैम्प कुछ भी नहीं है, नाम किससे खरीदे क्या है पूरा मेटेवा है, ये एंट्री नहीं है बॉन्ड पेपर की, ये आप देख लीजिए बॉन्ड पेपर की एंट्री नहीं है, मैं जाके मालूम भी करा ये पेपर के बारे में। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जी अंजनी कुमार साहब का यही है हम आपको के हमारा सपोर्ट करें, मदद करें हमारे जान का, मेरे वालदा मेरे नानी अकेले घर में रहते, मैं एक अकेला आदमी रहता हूँ घर में, मेरा कोई भी नहीं है सपोर्ट को, उतना धमकियाँ दे रहे हैं हमेशा मारते बोल रहे हैं घर के खातिर, वो बंद करके दरवाज़ा घर बेच के भागना चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है उनका काम, यही दिल में है उनके बस फ्रॉड करके खाने का। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी, मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में, घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटीशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाकई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क, आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।